हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में बात करने वाली हूं, जो अगर आपको देखने को मिलता है इन योर 9 मंथ, इट मींस कि लेबर नज़दीक है, डिलीवरी नज़दीक है। एक दिन में हो सकती है, 2 दिन में हो सकती है, 12 घंटे में हो सकती है। एकदम नज़दीक जब आ जाता है तो ये सिम्टम आपको देखने को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है, और आई थिंक हर किसी को देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये सिम्टम का नाम क्या है वो मैं बता दूँ तो ये कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। रियल कॉन्ट्रैक्शंस कैसे महसूस होते हैं और क्या आपको देखना है कि भाई ये रियल कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा हो रहा है तो रियल कॉन्ट्रैक्शंस है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एक होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स भी बोलते हैं, जो आपको कभी भी हो सकता है, मतलब 8 मंथ के लेटर हाफ में भी हो सकता है और 9 मंथ के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। बट उसका डिलीवरी से मतलब उसको हम रियल कॉन्ट्रैक्शन मानकर और हॉस्पिटल पहुंच जाए, पैनिक कर जाए, वो सही नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स लेबर है। अभी आपकी बॉडी रेडी नहीं हुई है लेबर के लिए। वो सिम्टम तब होता है, तो इसीलिए वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रैक्सटन हिक्स क्या होते हैं, मतलब फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस किसे कहते हैं और ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस पे बात करेंगे, बट ब्रैक्सटन हिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिटेल में आपको समझाया है कि ऐसा होता है तो इट मीन्स फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। आपको कुछ भी नहीं करना है, पैनिक भी नहीं करना है और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ट्रू लेबर की, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो बहुत इसके बारे में कॉमन है कि पेन होता है बहुत ज़्यादा, जो आप बेयर नहीं कर पाते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेट है, आपका जो एब्डोमेन है, वो टाइट सा हो जाता है। जब आपको पेन हो रहा होता है ना, तो मसल्स पूरी टाइट हो जाती हैं, और जब आप अपना पेट छूते हो तो आपको समझ में आता है कि पेट एकदम दब नहीं रहा है, टाइट हो चुका है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही पेन कम होता है, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जो मसल्स है वो स्ट्रेच होती हैं एंड देन फिर लूज़ होती है, स्ट्रेच होती है देन लूज होती है, तो ये हम इसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो जब स्ट्रेच होती है तो टाइट हो जाता है आपका एब्डोमेन, और जैसे ही वो आपका लूज होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है, तब फिर आपका स्टमक एरिया जो है वो सॉफ्ट और मतलब आपको नॉर्मल महसूस होता है और आपका पेन भी कम हो जाता है। तो पेन जब होता है तब आपकी मसल्स टाइट होती है और अदरवाइज लूज रहती है, ये एक चीज़ होती है। उसके अलावा ये जो पेन है ना, आपको इंटरवल्स में आता है कि आया, कुछ टाइम तक रहा, फिर चला गया, फिर कुछ टाइम बाद, तो ये फिक्स इंटरवल होते हैं। अगर ट्रू आपको कॉन्ट्रैक्शंस है तो ये फिक्स इंटरवल है, मतलब जैसे अगर स्टार्टिंग में 10 मिनट के गैप में आ रहा है तो एक बार आया, 10 मिनट हुए, देन फिर नेक्स्ट भी 10 मिनट बाद होगा। तो ये आपको चेक करते रहना है कि आपका ये जो पेन आ रहा है, क्या ये फिक्स टाइम पर आ रहा है, मतलब 8-9 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे बार बार आ रहा है, इट मीन्स कि ये रेगुलर आ रहा है, फिक्स हो रहा है, और धीरे धीरे ये जो टाइम गैप होता है ना, वो कम होने लगता है। 10 मिनट से जैसे शुरू हुआ तो फिर 8 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करके जब ये बहुत ज़्यादा सेकेंड्स में आ जाता है ना, तब एकदम आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, आप डिलीवरी कर रहे होते हो, तब आपका कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम इंटरवल है, गैप है, वो कम हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गैप जो है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि एक बार तो आपको आधे घंटे में पेन आया और एक तो आपको 2 घंटे बाद आया, तो ये फिक्स इंटरवल नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेन का और टाइटनिंग का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जब आपका पेन बढ़ रहा होता है, आपका एब्डोमेन टाइट होता है, तो साथ के साथ आपको वजाइनल प्रेशर भी महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वजाइना में जब पेन आता है, तब ऐसा लगता है कि ऊपर से प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका वजाइना पेल्विक एरिया जो है, वजाइना के आसपास का एरिया, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर सा या पेन जैसा महसूस होता है, रुक रुक के होता है वो। जब आपका पेट टाइट होता है, पेन हो रहा होता है, तब ऐसा होता है, क्योंकि बेबी जो है वो नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही होती है, तो उसकी वजह से आपको ये पेन जो है वो वजाइनल प्रेशर जो है वो भी महसूस होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको वजाइनल प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो, पेन जो है वो इस तरीके से महसूस हो रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि लेबर आपका स्टार्ट हो चुका है और आपको अभी तुरंत पहले डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि नीचे की तरफ ही सारा प्रेशर आ रहा है, पेन आना जाना कर रहा है, तो आपका जो लोअर बैक एरिया है या फिर आपका जो
पैरों का पैरों वाला एरिया, वहाँ पर भी आपको पेन जो है वो काफ़ी बढ़ने लग जाता है। तो लोअर बैक है या लोअर एब्डोमेन है, आगे पेट में निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है, पीछे पीठ में निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है, अच्छे से दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो इट मीन्स कि ये जो पेन आ रहा है जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन से है और ये लेबर साइन ही है। उसके अलावा ये जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल्स लेबर पेन भी होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका थोड़ा बहुत आपने कुछ किया तो उससे आराम मिल जाता है, बट ये पेन ऐसा होता है, ये जो रियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसमें आप पानी पी लो, बॉडी का पॉस्चर चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको आराम नहीं मिलता, वो पेन आना और जाना जो फिक्स इंटरवल पे है वो होता ही रहता है। तो अगर किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, पेन बढ़ता ही जा रहा है, ड्यूरेशन कम होती जा रही है और पेन का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब आ तो वो 10 मिनट पे रहे हैं बट रह रहे हैं वो 10 मिनट तक, तो इट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्शंस ही हैं, रियल कॉन्ट्रैक्शंस ही हैं, और आपको बस अब अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है लेबर के लिए और आपका बेबी अब कुछ ही समय में आपके पास आ जाएगा। आपको तुरंत डॉक्टर को विज़िट करना है, रियल कॉन्ट्रैक्शंस देखना, फील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पे चीज़ें देख लें ताकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना हो। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या सर्जरी हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर आप पैनिक करोगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहोगे उस टाइम पे, घबराओगे, डरोगे, तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई बार लोगों का बीपी हाई हो जाता है और भी चीज़ें प्रॉब्लम करने लग जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को जितना हो सके काम डाउन रखिए एंड ब्रीथ करते रहिए, मतलब अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए, बॉडी आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो अच्छे से स्मूथ हो जाए, बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप परेशान रहते हैं ना तो अंदर बेबी के ऊपर बहुत सारा तरीके का लास्ट मोमेंट पे प्रेशर बनता है, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन लास्ट मोमेंट पे आ जाती है अगर आप काम नहीं है, अगर आप शांत नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको शांत रखने में और आपको चीज़ों के प्रति अवेयर करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस अवेयरनेस ही है। अगर आपको और कोई डाउट होता है और कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर हर चीज़ पूछें, उनसे बिल्कुल भी शर्माएं या हेजिटेट मत करें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है, किसी तरीके का रिस्क लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको देखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट तो शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहां पर मैं अपने करंट मेरी जो प्रेगनेंसी चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स शेयर करती हूं डेली बेसिस पे, तो वो वीडियो भी और वो व्लॉग चैनल भी आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई भी वीडियो का लिंक अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको स्पेसिफिक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।